हेलो दोस्तों दोस्तों क्या किसानों को सब्सिडीज मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस बात को लेकर देश के पॉलिसी मेकर्स में और आम जनता में एक घमासान युद्ध चल रहा है। इसे ही बोलते हैं डिबेट ओवर सब्सिडीज। कुछ लोग सब्सिडीज देने के पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्सिडीज होती क्या है। देखो भाई, सब्सिडीज बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये इकोनॉमिक असिस्टेंस कह लो या फाइनेंशियल हेल्प कह लो जो सरकार देती है किसानों को। होता यह है कि जब किसान फर्टिलाइजर्स या दूसरे तरह के इनपुट खरीदने के लिए जाता है मार्केट में, तो किसानों को मार्केट रेट से कम रेट पर वो सारे इनपुट्स मिल जाते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जो इनपुट के मालिक है, उनको पूरा पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए का आइटम है, मान लीजिए एक जो कट्टा है फर्टिलाइजर का 100 रुपए का आता, हम बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत महंगा आता है, इतना सस्ता नहीं होता। 100 रुपए का अगर एक कट्टा फर्टिलाइजर का आ रहा है तो उसमें से 60 रुपीज किसान दे रहा है और 40 रुपीज किसानों की तरफ से सरकार दे रही है। तो जो फर्टिलाइजर बेचने वाला जो है व्यक्ति है, उसको पूरे पैसे मिल रहे 100 रुपए, 60 दे रहा है किसान, 40 दे रही है सरकार। तो इसे बोलते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज का डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पैसा किसानों को नहीं मिलता, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिलता है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। ठीक है जी, ये सब्सिडीज होती है। अब जो लोग सब्सिडीज के पक्ष में हैं उनके अपने तर्क हैं, सब्सिडीज के जो विपक्ष में हैं उनके अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज करेंगे। तो सब्सिडीज नहीं मिलनी चाहिए इसके फेवर में भाई पर्टिकुलरली 3 तरह के आर्ग्यूमेंट वो लोग देते हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा भार आता है यार, तुम देखो ना कितना ज्यादा पैसा, इतने सारे किसान है देश के अंदर, सबके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन फाइनेंसिस का, पैसे का सरकार के ऊपर आ जाता है। अब वो ये कहते हैं कि सब्सिडीज देने की अब कोई जरूरत नहीं है, पहले जब सब्सिडीज शुरू की थी उस वक्त तो भाई बात सही है, इनपुट्स बहुत कॉस्टली थे तो उस वक्त दे दी थी तो बात सही है, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है किसानों को, किसान इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो इनपुट्स खुद खरीद सकते हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है। और बहुत पैसा खर्च होता है, वो पैसा किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम आ सकता है, तो एक आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि मिस एप्रोप्रिएट यूज, यानी कि सब्सिडीज अमीर किसान को क्यों मिले भाई, जो किसान ऑलरेडी अमीर है वो भी सब्सिडीज का फायदा उठा रहा है करप्शन करके। भैया गरीब किसान बन जाते हैं, करप्शन करते हैं, घूस दे देते हैं और सब्सिडीज का फायदा ले लेते हैं अमीर किसान। और दूसरा, इसका बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिल रहा है, क्योंकि सरकार का पैसा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जाता है, डायरेक्ट किसान को नहीं मिलता। तो भैया इसका जो मिस एप्रोप्रिएट यूज हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है वेस्टफुल कंजप्शन। भाई जब चीज सस्ती मिलती है ना तो लोग उसको बहुत ही वेस्ट कर देते हैं। किसान लोग जब उनको सस्ते में फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं तो भैया उसको वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर खेत में डाल देंगे जबकि कोई यूज नहीं होने वाला। इसलिए बोलते हैं वेस्टफुल कंजप्शन सब्सिडीज की वजह से हो रहा है। जैसे आप उसका एक छोटा एग्जांपल दूं, जैसे दिल्ली में बिजली पर सब्सिडीज मिल रही है तो लोग जो है लाइट पंखा वगैरह खुला छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है बिजली का बिल तो आना नहीं है। ये एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ठीक है, उनके अपने तर्क हैं। उनका जो एक लॉजिक है वो ये कहता है कि भैया इट इज अ रिस्की बिजनेस, एग्रीकल्चर एक बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है। आप जानते हैं कितनी ज्यादा दुश्वारियां होती है फसल को उगाने से लेके काटने तक। भाई बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूकंप का खास रोल है नहीं, आग लगी खेत के अंदर, बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, इस सबसे फसल खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। किसान अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इनकम बाहर रख के सोता है, सब अपने पैसों को अपनी संपत्ति को छिपा के रखते हैं। किसान की संपत्ति जो होती है फसल, उसका जो फसल है वो खेतों में रहती है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। तो भैया वो कहते हैं यार इतना रिस्की बिजनेस है उनको सब्सिडीज तो बनती है। ठीक है जी, एक पॉइंट ये है। दूसरा जो इनका पॉइंट है सब्सिडी देने को लेके, वो ये कह रहा है कि भैया जो इनपुट्स हैं वो अभी भी बहुत कॉस्टली हैं, सस्ते हुए मानते हैं लेकिन अभी भी बहुत कॉस्टली इनपुट है। भैया हर चीज के रेट बढ़ गए हैं, सारे इनपुट सब बहुत कॉस्टली आते हैं, तो यार सब्सिडी खत्म मत करो यार, क्योंकि किसान बेचारा
बहुत कम पैसे कमाता है वो कैसे उतने सारे कॉस्टली इनपुट्स को खरीद पाएगा। इनपुट्स मैं समझा चुका हूं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और ये सीड्स वगैरह, ये इनपुट्स अभी भी कॉस्टली हैं, सबके लिए नहीं, अभी भी ये कॉस्टली है, एक पॉइंट ये है। तीसरा वो कहता है कि यार अगर आपने सब्सिडी खत्म कर दी तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी देश के अंदर, अमीर किसान जो है वो और अमीर हो जाएगा, गरीब किसान गरीब रह जाएगा। सब्सिडी जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, अमीरों को मत दो, अमीर किसान को सब्सिडी मत दो, लेकिन गरीब किसान को दो ताकि वो थोड़ा ऊपर उठ सके। ठीक है भाई, तो ये है आर्ग्यूमेंट्स फेवर में और उसके फेवर में अगेंस्ट में ये आर्ग्यूमेंट है भाई। आपको क्या, आप कौन से आर्ग्यूमेंट से सहमति रखते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ और अगर आपका विचार है, कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है तो उसको शेयर कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, थोड़ी फंबलिंग हो जाती है, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।